आप सभी को नमस्कार। प्रज्ञा मीना यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो मैंने कल डिजाइन बनाया है इसको मैं पक्का करूंगी। तो इसके लिए मैंने ये जो पीको वाला धागा यूज लिया है, जिससे हम पीको करते हैं, प्लास्टिक वाला जो धागा आता है पक्का वाला, उससे करूंगी मैं इसको पक्का। ये धागा पत्तियों के ऊपर दिखेगा नहीं। कल मैंने जो पहले ये डिजाइन बनाया है, मैंने कल गोंद से चिपका के बनाया था ये डिजाइन, तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए, मैडम ये धुलने के बाद में हट जाएंगे। तो मैं उनको सबको बता रही हूँ ये कि ये मैंने सिर्फ कल कच्चा किया था, आज मैं मशीन से इसको पक्का करूंगी, तो ये कभी भी नहीं धुलेंगे, हटेंगे नहीं ये धुलाई के बाद में। इस तरह से आप जो भी मेरी वीडियो को देखे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मेरे लहंगे में या मेरी कोई डिजाइन में कोई कमी होगी तो मैं उसमें सुधार करूंगी। आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसको मैंने ये पूरे को मैं पक्का करूंगी, क्रॉस डिजाइन में करूंगी मैं इसको पक्का। मैं अभी आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैंने इसकी सिलाई की है। ये जो मशीन है इसमें पहले से ही डिजाइन बनी हुई है। ये मैं अभी लहंगे का पट्टा तैयार कर रही हूं। इसमें मैंने बुकरम चिपका रखी है नीचे। बुकरम इसके नीचे चिपका रखी है, तो मैं अभी इसके पट्टे को तैयार कर रही हूं। ये मैंने 14-14 इंच पे बनाए हैं मैंने ये फूल पट्टे पे। ये देखो मैंने ये पीछे की तरफ, आप देखो ये मैंने क्रॉस डिजाइन में मैंने इसकी सिलाई की है। अगर मैं इसमें सीधी सिलाई करती तो फिर ये जो पत्ती है ये बीच की जो ये सुकड़ जाती, तो मैंने इसमें क्रॉस कटिंग में की है, क्रॉस डिजाइन में मैंने इसकी सिलाई की है, तो ये हटेंगी नहीं। और इसका धागा भी मैंने बताया आपको पीको वाला यूज किया है, ये देखो आप। अब मैं कल इस लहंगे में बुकरम के नीचे मैं अस्तर लगाऊंगी और फिर कल मैं कंप्लीट लहंगा तैयार करके फिर मैं आपको बताऊंगी। आपको अगर मेरे कोई लहंगा पसंद आ रहा है तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। वो नंबर मैंने नंबर डाल रखे हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर है, वो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके मेरे से प्राइस पूछ सकते हो। ये फूल बनने के बाद में
और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये ऐसे उखड़ा उखड़ा नहीं रह रहा है, ये एकदम चिपक गया है लहंगे में सिलाई के बाद में। तो इसमें हटने की भी शिकायत नहीं रही।